कोरोना वायरस को लेकर चारों तरफ डर का माहौल है। हालात यह है कि आमजन घर की दहलीज तक लांग नहीं पा रहा है। कोरोना स्क्रीनिंग या आइसोलेशन के नाम पर रूह तक कांप उठती है। कोरोना को मात देने के लिए ड्यूटी पर तैनात ये चिकित्सा कर्मी योद्धा की तरह मैदान में डटे हुए हैं। वहीं बीकानेर शहर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ धक्का मुक्की करने पर माहौल गर्मा गया। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस को बुला लिया। बताया जा रहा है कि गंगा शहर तिराहे कुम्हारों की मोड़ पर स्वास्थ्य विभाग टीम डोर टू डोर जांच कर रही थी। एक टीम गंगा शहर पेट्रोल पंप के आसपास के घरों में सर्वे कर रही थी। उसी दौरान कुम्हारों की मोड़ पर एक घर से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार से माहौल गर्मा गया। इसी बीच अपनी सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने गंगा शहर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची गंगा शहर पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौच व हाथापाई करने वाले युवक को पुलिस अपने साथ ले गई। पता चला है कि यह युवक स्वास्थ्य विभाग की जांच पर ही सवाल उठा रहा था। बात बात में माहौल बिगड़ गया। युवक को पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने पर घर की महिलाओं में कोहराम मच गया, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। राजस्थान की आवाज से मैं करण पारिक, अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज के साथ। जय हिंद।